प्रायः ये देखा गया है कि विद्यार्थियों को जब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के संबोधों को स्पष्ट किया जाता है, तब शिक्षक पकड़ के शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अर्थात उनको ऐसा बताया जाता है कि जिन सवालों में इस तरह के शब्द आते हैं, जैसे कि बड़े से बड़ा या बड़े से बड़ा है या फिर अधिक से अधिक, तो इस तरह के शब्दों को देखते ही बच्चों को ये समझ लेना चाहिए कि इसमें महत्तम निकालना है। ठीक इसी तरह जिन सवाल में इस तरह के शब्द आते हैं कि छोटे से छोटा या कम से कम, इस तरह के शब्दों को देखते ही बच्चों को लघुत्तम समापवर्त का ज्ञात करना चाहिए या बच्चों को समझ लेना चाहिए कि इसमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है। इससे बच्चों को आसानी तो होती है, लेकिन साथ ही साथ बच्चे भ्रम में भी पड़ जाते हैं। आइए देखते हैं कि बच्चों को लघुत्तम समापवर्त बताते समय या महत्तम समापवर्तक बताते समय किस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। आज हमारे बीच इसी विषय पर चर्चा करने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अफशा तबस्सुम जी और फैज अहमद जी आए हुए हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं। तो अफशा जी बताइए, जब आप अपनी कक्षा में बच्चों को लघुत्तम समापवर्त के बारे में बताती हैं तो किस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं? देखिए ज्योति जी, लघुत्तम समापवर्त के प्रश्नों को बताने के समय अक्सर बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। किस तरह का भ्रम? क्योंकि जो प्रश्न दिया होता है उसमें जो संख्याएं दी होती हैं, उत्तर अक्सर उन संख्याओं से या तो अधिक आता है या उन दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसके बराबर आता है। ठीक है, जबकि प्रश्न ये कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्त, तो बच्चे लघुत्तम शब्द पे चूंकि ज्यादा ध्यान देते हैं इसलिए वो ये भ्रमित हो जाते हैं कि ये उत्तर इन संख्याओं से बड़ा कैसे है? छोटा आना चाहिए, छोटा होता है तो छोटा आना चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे मैं आपको एक प्रश्न बताना चाहूंगी कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें जो 2, 3 और 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब इसका जब हम ये प्रश्न बच्चों से करवाते हैं तो उत्तर आता है 30। हाँ, 30 आता है जो कि इन तीनों ही संख्याओं से काफी बड़ा है। अब बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि ये 30 जो है ये लघुत्तम समापवर्त कैसे है, यानी कि ये 2, 3, 5 तीनों से बड़ा है जी, ये लघुत्तम कैसे हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही समस्या बताई है आपने और बच्चों को ये भ्रम होता है। इसमें अफशा जी, इसमें एक चीज का ध्यान शिक्षकों को देना पड़ेगा कि बच्चे जो है लघुत्तम शब्द पे ज्यादा ध्यान देते हैं जी। हाँ, जबकि लघुत्तम के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है समापवर्त जी, तो बच्चों को हमें यहाँ पे समापवर्त शब्द का अर्थ स्पष्ट करना होगा क्योंकि लघुत्तम शब्द जो है वो समापवर्त शब्द का केवल विशेषण है। बिल्कुल, लघुत्तम जो है छोटे छोटा, इसका अर्थ छोटे छोटा होता है जी। हाँ, लेकिन ये समापवर्त जो शब्द है उसका विशेषण होता है। तो बच्चों को हम इसमें पहले बताएंगे कि समापवर्त क्या होता है। समापवर्त का अर्थ होता है समान अपवर्त, और समान अपवर्त तो बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन बच्चों को अपवर्त की परिभाषा भी यहाँ स्पष्ट करनी होगी। हालांकि बच्चों पिछली कक्षा में बच्चे जो है अपवर्त के बारे में पढ़ चुके होंगे, पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार बच्चों को अपवर्त की परिभाषा बताएंगे और बताएंगे कि अपवर्त क्या होता है। यहाँ पे आप बच्चों को इस तरह परिभाषा बता सकते हैं कि अपवर्त वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, कट जाती है, यानी कि है ना। और अपवर्त का अर्थ बता सकते हैं कि अपवर्त का अर्थ होता है गुणज, गुणज। और गुणज हमेशा जो है बड़ी संख्या होती है जी, है ना। किसी भी संख्या का हम गुणज निकालेंगे तो वो दी गई संख्या से वो बड़ी संख्या होगी, है ना। तो बच्चों को जो हम बताएंगे समान अपवर्त जी, तो पहले बच्चे दी गई संख्याओं के अपवर्त निकालेंगे, उन अपवर्तियों में से जो समान अपवर्त होंगे वो निकालेंगे। समान अपवर्त में जो सबसे छोटा अपवर्त होगा जी, लघुत्तम, यहाँ पे लघुत्तम मतलब सबसे छोटा जी, तो उन अपवर्त समान अपवर्तियों में से जो सबसे छोटा अपवर्त होगा वही लघुत्तम समापवर्त होगा। लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती हो। महत्तम समापवर्तक की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे वे संख्याएं पूर्णतया विभाजित हों। ज्योति जी, इसे एक उदाहरण से ज्यादा स्पष्ट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही, हम आपको उदाहरण से बताते हैं, इससे ज्यादा स्पष्ट हो। हाँ ठीक है, सबसे पहले हम चलिए हम लोग 2 संख्या लेते हैं, 4 और 6। 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त लें।
सबसे छोटी संख्या है, बच्चों को बताने के लिए हम छोटी छोटी संख्या लेंगे पहले, चार और छः। तो बच्चों को हम पहले हम बताएंगे चार के अपवर्त, है ना। सबसे पहले हम चार के अपवर्त निकालेंगे। चार का पहला अपवर्त तो चार ही हो गया, दूसरा आठ। यहाँ बच्चों को हम बताएंगे गुणज, अपवर्त का अर्थ है गुणज। ये यहां तक निकाल लिया हमने, चलिए इसके बाद हम छह के अपवर्त निकालेंगे। बच्चों को हम लोग बराबर बताते रहेंगे, गुणज हमेशा बड़ी संख्या होती है। यहाँ तक निकाल लिया हमने इसमें, ये चार के अपवर्त है, ये छह के अपवर्त है। इसके बाद हम बच्चों से खुद ही कहेंगे कि बच्चों आप बताइए कि इनमें समान अपवर्त कौन से, कौन कौन से हैं जी। चार और छह के जो समान है, तो बच्चे बताएंगे इसमें समान अपवर्त पहला बच्चे बताएंगे ये बारह। ऐसे करके हम बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा। और कोशिश करेंगे बारह के नीचे ही बारह आए तो अच्छा है। और दूसरा अपवर्त पूछेंगे तो बच्चे खुद ही इसमें देख के बताएंगे, दूसरा समान अपवर्त है ये चौबीस। तो चार और छह के दो समान अपवर्त, क्योंकि हमने इतने ही निकाले हैं, पांच संख्या तक निकाले हैं, तो बारह और चौबीस दो समान अपवर्त आ गए। इसके बाद अब बच्चे से लघुत्तम शब्द यहाँ पे ध्यान देंगे। अब लघुत्तम शब्द पे आएंगे हम लोग, बताएंगे लघुत्तम सबसे छोटा, सबसे छोटा समान अपवर्त। सबसे छोटा समान अपवर्त कौन सा हुआ इसमें, बारह। बारह हो गया, बच्चे बताएंगे बारह। बारह यानी कि लघुत्तम समापवर्त कितना हुआ, बारह। ठीक है, तो अब बच्चे इसमें पूछ सकते हैं कि बच्चों का आप यहाँ पे स्पष्ट कर सकते हैं कि हमने संख्याएं तो चार और छह ली थी, लेकिन हमारा उत्तर आया बारह। ये बड़ी संख्या है, दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या है, लेकिन ये बड़ी क्यों है, क्योंकि हमने इसमें चार और छह के अपवर्त निकाले हैं। अपवर्त हमेशा बड़ी संख्या होती है, और जो अपवर्त निकाले उसमें समान अपवर्त है, उसमें से सबसे छोटा अपवर्त निकालते हैं हम लोग। सबसे छोटा अपवर्त है ये बारह हो गया। इस तरह से समझाएंगे बच्चों, इससे काफी स्पष्ट हो जाएगा बच्चों। अपवर्त हमेशा बड़ी संख्या होती है, बच्चों को ये जरूर बताना है। ज्योति जी, यही समस्या छात्रों के सामने जब महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो उस समय यही आती है। महत्तम का अर्थ वो समझते हैं अधिक से अधिक, हाँ, सही और है। जो निकालते हैं वो जो है या तो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होती है, हाँ, या फिर उस संख्याओं से छोटी संख्या होती है, तो इससे हाँ, विद्यार्थी सब भ्रम में पड़ जाते हैं। पड़ जाते हैं कि महत्तम समापवर्तक हमेशा दी गई संख्याओं में से छोटी संख्या आती है। जैसे कि एक जैसे कि हाँ प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी रस्सी किस नाप की होगी जिससे 6 इंच 9 इंच और 12 इंच लंबाई पूरी पूरी नापी जा सके। तो ये समस्या, इसका महत्तम निकालेंगे तो आएगा तीन आएगा, तीन आएगा। इसका महत्तम समापवर्तक जब निकाला जाएगा तीन आएगा, फिर बच्चों को भ्रम हो सकता है कि ये इसमें संख्याएं तो 6 है, रस्सी की लंबाई 9 इंच है और 12 इंच है, लेकिन उत्तर हमारा 3 आ रहा है, है ना। तो बच्चों को भ्रम हो सकता है, बिल्कुल सही बात कही आपने। इसके इसमें भी ठीक उसी तरह से है कि हम लोग इसमें महत्तम शब्द पे ध्यान देते हैं, लेकिन समापवर्तक शब्द पे ध्यान नहीं देते। महत्तम के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है समापवर्तक, है ना। तो बच्चों को हमें सबसे पहले ये स्पष्ट करना है कि महत्तम केवल समापवर्तक शब्द का विशेषण है। बच्चों को पहले समापवर्तक के बारे में बताएंगे, उसके बाद महत्तम शब्द का इस्तेमाल बताएंगे। तो समापवर्तक का अर्थ हुआ समान अपवर्तक, है ना। समान अपवर्तक बच्चे अपवर्तक के बारे में जानते होंगे, क्योंकि पिछले कक्षाओं में बच्चे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार इस पाठ को पढ़ाते समय अपवर्तक के बारे में बताएंगे, उसकी परिभाषा ही बताएंगे। अपवर्तक का अर्थ होता है गुणनखंड। बच्चों को बताएंगे कि अपवर्तक का अर्थ होता है गुणनखंड, और इसकी परिभाषा ही बता सकते हैं आप।
अपवर्तक जो वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित करे, है ना, जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित करे, इसका मतलब ये छोटी संख्या होगी। अपवर्तक हमेशा एक छोटी संख्या होगी, दी गई संख्याओं से छोटी संख्या। इस तरह बच्चों को बताएंगे हम, तो बच्चे दी गई संख्याओं के पहले अपवर्तक निकालेंगे, अपवर्तक निकालने के बाद वो समान अपवर्तक निकालेंगे, समान अपवर्तक निकालने के बाद उसमें जो सबसे बड़ा समान अपवर्तक है महत्तम, महत्तम शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे बताएंगे बच्चों को कि जो सबसे बड़ा समान अपवर्तक है वो महत्तम समापवर्तक होगा, इसलिए ये बड़ी संख्या आती है उत्तर में। इसको भी एक उदाहरण से अगर आप समझा देती हैं तो ज्यादा बेहतर होता। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल उदाहरण से बता देते हैं। दो छोटी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 12 और 16 ले लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 12 के अपवर्तक निकालेंगे। 12 के अपवर्तक सबसे पहले बच्चों को बताते हैं कि एक होता है, दो, तीन, चार, छः और 12। बच्चों को यहाँ स्पष्ट करेंगे कि 12 के अपवर्तक 12 से छोटे हैं या 12 के बराबर है, ठीक है। और अपवर्तक वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे पूरी पूरी। इसके बाद हम 16 के अपवर्तक निकालेंगे। ये 16 के अपवर्तक हो गए। इसके बाद बच्चों से ही पूछेंगे कि इनमें समान अपवर्तक कौन कौन से हैं। बच्चे बताएंगे इसमें समान अपवर्तक है, एक दो है और दूसरा चार है। ऐसे बता के बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा, इस तरह से बना देगा। समान अपवर्तक हुए दो और चार। अब यहाँ पे बच्चों को हम महत्तम शब्द का इस्तेमाल बताएंगे कि महत्तम का अर्थ होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा समान अपवर्तक। सबसे बड़ा इसमें कौन सा अपवर्तक है? चार है। तो उत्तर हुआ बच्चों का महत्तम समान अपवर्तक। इस तरह से बच्चों को यहाँ पे आप स्पष्ट करेंगे कि देखिए संख्याएं 12 और 16 थी, है ना, लेकिन महत्तम समान अपवर्तक आया है 4। तो इसमें इसमें महत्तम केवल शब्द जो है केवल ही समान अपवर्तक का विशेषण है। महत्तम का अर्थ बड़े से बड़ा होता है, लेकिन उत्तर क्यों बड़ा छोटा आता है? क्योंकि ये इसमें हम अपवर्तक निकालते हैं, अपवर्तक हमेशा छोटी संख्या होती है, ठीक है। अब आप लोगों की समस्या थोड़ी दूर हो गई, क्योंकि बच्चों को भी आप इस तरह समझाएंगे काफी हद तक। हाँ, तो बच्चों को जो ये भ्रम होता है छोटी संख्या और बड़ी संख्या वाला, ये दूर हो जाएगा, ठीक है। मुझे आपके समझाने के बाद मुझे लगा कि अगर हम लोग अपवर्तक और अपवर्त शब्दों का पहले ही अच्छी तरह से विशेषण कर दें, बच्चों को समझा दें, और इस प्रक्रिया से जिस तरह आपने समझाया इसी प्रक्रिया से अगर बच्चों को समझाए तो बच्चे ज्यादा आसानी से बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हाँ, बच्चों को अपवर्त और अपवर्तक का अंतर स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले महत्तम समापवर्तक बताते समय अपवर्तक के बारे में बताएं, और लघुत्तम समापवर्त बताते समय अपवर्त के बारे में बताएं। आशा है आप लोगों को लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के शिक्षण में आने वाली कठिनाई आपकी अब दूर हो गई होगी। तो आज हम लोगों ने गणित विषय के अंतर्गत लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों के बारे में चर्चा की। अब अगले बार जब अगले कार्यक्रम में हम इसी गणित विषय के अंतर्गत किसी और समस्या को लेंगे, उस पर बातें करेंगे।